वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं रिली बेरी। और आज मुझे रिली बेरी के प्रिजन से एस्केप करना है, इसे मुझे जल्दी से ब्रेक करके यहाँ से निकलना है। और हमारा चैलेंज इतना आसान नहीं होने वाला है, बट कोई ना, हम लोग सारे चैलेंज को अच्छी तरीके से पार कर सकते हैं। सही तरीके से जंप करेंगे और मैं वही कर रहा हूँ। चलो ठीक है गाइस, बटन है दबाता हूँ, दबा दिया, आयरन प्लेट खुल के आ चुका है। और सही तरीके से जंप करते हुए जाएंगे, क्योंकि नीचे ट्रैप है इसीलिए जाएंगे। मुझे रिंच चाहिए रहा, रिंच आजा भाई जल्दी से, रिंच हाथ में। चलो रिंच आ गया और हम लोग टनल में आ चुके हैं और यहाँ हम लोग नीचे भी आ चुके हैं। और संभल के अच्छी तरीके से जाना होगा क्योंकि सामने रिली है। बटन दबाते हैं, दबा दिया और रिली ने मुझे देख लिया और मेरे पीछे पीछे आ रही है। भागना पड़ेगा जल्दी से गाइस। तो हम लोग स्टेयर्स की मदद से ऊपर आ चुके हैं, इसके ऊपर रिली नहीं आ सकती। अब मुझे पाइप पर जंप करना है, लेकिन मैं गलती से नीचे गिर गया, बट कोई ना, दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। और इस रैली ने मुझे फिर से देख लिया है, इसे बचते हुए जल्दी से भागना पड़ेगा गाइस। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ भी सेफली तरीके से आ चुके हैं, दिक्कत वाली कोई सीन नहीं गाइस। और हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है और देखते हैं अब क्या सीन होगा। संभल के हमें जाना होगा, अगर मैं यहाँ से गिरूँगा तो रैली मुझे किल कर सकती है गाइस। और हम लोग यहाँ अच्छी तरीके से जा रहे हैं, सामने टनल है तो हम लोग सेफली तरीके से आ चुके हैं टनल में। अब देखते हैं ये टनल कहाँ खुलने वाला है। और यहाँ नीचे एरो का सिंबल है और मैं इसे ही फॉलो कर रहा हूँ, नीचे जाएंगे। और यहाँ पहले से सुरंग बना हुआ था, बट कोई ना, जंप करते गाइस। जंप करा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पियानो जैसा कुछ बना हुआ है, उस तरफ चलेंगे। इसे रेड को ना मैं पूरी तरीके से ग्रीन करूँगा। और उस तरफ दो दो पिलर आ चुका है और मुझे उसी दोनों पिलर पर जंप करके उस तरफ जाना है। फटाफट चलते हैं गाइस। चलो ठीक है, जंप करा, उसके बाद यहाँ भी, उसके बाद यहाँ भी आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से गाइस। ऑलराइट, यहाँ भी जंप करेंगे, यहाँ भी एसिड है बगल बगल में, संभल के जाना होगा। यहाँ पे गोला आता है, जल्दी से चलते हैं गाइस। यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि गोला आ रहा है और ये गोला चला गया। और जैसे ही गया हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है ना, यहाँ पर भी रुकते हैं, गोला फिर से आएगा, वो आ रहा है गोला। यहीं पर रुकते हैं और ये गोला चला गया, तो हम भी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा वुड का लेडर, सीधा इसकी मदद से ऊपर चलेंगे। तो गाइस हम लोग सेफली तरीके से आ चुके हैं। अरे नहीं यार, ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, भागना पड़ेगा। ये रिली का गार्ड है मैन, बट कोई ना, इससे बच के तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी हो। देख रहे हो, वो अभी तक वहीं खड़ा है, तब तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगा ना। जंप करते हैं, यह स्टेयर्स बीच बीच में से टूटा हुआ है और हमें अच्छी तरीके से निकलना होगा, और मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है ना गाइस, तो हम लोग यहाँ सेफली तरीके से आ चुके हैं। चलो ठीक है, हम लोग ब्रिज के ऊपर सेफली तरीके से आ चुके हैं, हमें इस तरफ जाना होगा। उस साइड हम लोग रॉन्ग साइड जा रहे थे। लीवर को जैसे हमने टच किया, ये लिफ्ट हमारा एक्टिवेट हो चुका है, तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ओके, तो गाइस हम लोग सेफली तरीके से पहुँच चुके हैं। मेरे सामने वेंडिंग मशीन है, इस बटन को मुझे दबाना होगा ताकि एनर्जी ड्रिंक पीते ही मेरे पास एक एबिलिटी आ जाए। चलो ठीक है, पी लिया ड्रिंक। अब हमें इस ट्रैप को पार करना है कुछ इस तरीके से, और मैं लॉन्गेस्ट जंप करने में सक्षम हो रहा हूँ काफ़ी सही तरीके से गाइस। चलो ठीक है, जंप होना चाहिए सटीक, पूरा का पूरा सटीक, मिस्टेक मुझे नहीं करना है गाइस। ऑलराइट, चलो ठीक है, एक जंप और। ये रहा लेडर, सीधा इसके ऊपर चलेंगे। एक और लेडर है, इसका भी यूज कर लेते हैं ना फटाफट से गाइस। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सामने आ चुके हैं और एरो का सिंबल इस तरफ जा रहा है, और इस लेडर की मदद से सीधा ऊपर चलते हैं। चलो ठीक है गाइस, हम लोग जा रहे हैं अच्छी तरीके से, नीचे भी उतर चुके हैं। और यहाँ एरो का सिंबल है, संभल के जाना होगा, यहाँ दोनों तरफ ट्रैप है इसीलिए संभल के जाना होगा गाइस। और ये रहा आयरन का लेडर, सीधा आयरन के लेडर की मदद से ऊपर चलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर पाइप है, अब मुझे जल्दी से पाइप वाले एरिया को पूरी तरीके से क्रॉस करना पड़ेगा, और मैं वही कर रहा हूँ काफ़ी सही तरीके से। जंप करा डबल पाइप पर, उसके बाद यहाँ भी आ चुके हैं। आगे बढ़ते फटाफट से गाइस, इसके ऊपर भी सेफली तरीके से आ चुके हैं। ओके, जंप करा, उसके बाद सबसे ऊपर चलते हैं, और हम लोग सबसे ऊपर भी आ चुके हैं। और मुझे उन तीनों पाइप में से जो एयर निकल रहा है उसे बंद करेंगे, उसके लिए मुझे पहला व्हील ये रहा। चलो ठीक है, पहला व्हील को मैंने क्लोज कर दिया,
अब चलते सेकेंड व्हील की तरफ, वो रहा ठीक मेरे सामने सेकेंड व्हील, फटाफट चलते हैं ना। सेकेंड व्हील को भी हम लोग पूरी तरीके से क्लोज करेंगे, ये रहा। चलो गाइस, मैंने इसे पूरी तरह से क्लोज कर दिया है, सेकेंड व्हील भी पूरी तरीके से क्लोज है। अब चलते हैं थर्ड व्हील की तरफ, और वो व्हील हमारा पूरी तरीके से लास्ट व्हील होने वाला है गाइस। चलो ठीक है, यहाँ भी सेफली तरीके से आ चुके, व्हील घुमाते हैं, घुमा दिया, ये बंद हो चुका है पूरी तरह से गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ का एरिया पूरी तरीके से डेंजरस है, हमें सही तरीके से जाना होगा। ओके ना गाइस, जंप करते हैं। अरे नहीं यार, गलती से मैं नीचे गिर गया। इस बार मुझे कोई भी गलती नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए हमें इस बार कोई गलती नहीं करना है। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ देखने के लिए। ये हमारे पास एक सेकेंड लास्ट चांस है गाइस ये। अरे नहीं यार, मैं फिर से गिर गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, अगर मैं इस बार पार नहीं कर पाया तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ जाएगा, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ये सबसे लास्ट चांस है, इसका हम लोग पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। ओके ना गाइस, इस बार मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। जंप करा, इसके ऊपर भी आ चुके, बहुत सही है मैन। हमारे पास लास्ट चांस ही था, सामने टनल में चलेंगे। चलो ठीक है गाइस, टनल में भी आ चुके हैं, आगे बढ़ते फटाफट से। और यहाँ हम लोग नीचे आ चुके हैं, और यहाँ का जो एयर प्रेशर है कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, बट कोई ना, मैं अपने कैरेक्टर को ना सही तरीके से लेके जा रहा हूँ, और मैं अपने कैरेक्टर को नहीं नीचे गिरने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ओके गाइस, जंप करा, बहुत सही है मैन। उसके बाद हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं, ये रहा आयरन का लेडर। अबे चढ़ जा भाई, दिक्कत क्या है, ऊपर चढ़ जा सामने से। चलो ठीक है, जंप करना होगा, सामने होल दिख रहा है टनल में, उसके अंदर चलेंगे। पहली बार में फेल रहा, सेकेंड बार ट्राई करते हैं। अरे क्या, मैं सीधा मैं इसके ऊपर कैसे आ गया, इस बार भी फेल हो जाएगा, मुझे पता था। और ये थर्ड चांस है, तो गाइस इस बार थर्ड चांस में हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ नीचे भी आ चुके हैं। रास्ता किस तरफ से ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर लेडर है, स्टेयर्स है, लेकिन नहीं, मुझे सामने जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैफेटेरिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर मेरे सामने जॉय बॉस है, और मुझे इस जॉय बॉस को किल करना होगा। और इसे किल करने के लिए मुझे चाहिए वेपन, और वो रहा ठीक मेरे सामने वेपन। अब जो है बॉस का खात्मा होना तय है। ओके, और मैंने इसे डैमेज देना भी शुरू कर दिया है, इसके करीब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, दूर से ही मैं इसे डैमेज देने वाला हूं। चलो ठीक है गाइस, डैमेज पड़ा। ओके, फिर से डैमेज पड़ा, मर जा भाई। चलो ठीक है, जो है बॉस का खात्मा हो चुका है, और जिस तरफ से एरो का सिंबल है मैं उसी तरफ गया जा रहा हूँ। इस तरफ से अपने आप रास्ता बन चुका है गाइस, और फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। यहाँ देख सकते हो ज़मीन पर तीन तीन एरो का सिंबल है, मतलब हम लोग सही रास्ते पर हैं। और यहाँ मैंने छलांग लगा दिया, और यहाँ पे एक हाईली जंप के साथ नीचे लैंड करते हैं। चलो लैंड किया, अब देखते हैं ये लेडर मुझे कहाँ लेके जाएगा। फटाफट से ऊपर चलते हैं गाइस। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ आ चुके हैं, सामने एरो का सिंबल है, नीचे पंखा चल रहा है, और ऊपर मुझे लेजर से बचते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लेजर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है गाइस। और हम लोग ने इस लेजर को बीट करा, आगे चलते, दो लेजर और ऊपर है, ये ग्रीन लेजर है, ग्रीन लेजर को बीट कर दिया। अब बचा है सबसे लास्ट येलो लेजर, इसे पार करते गाइस, तो मैंने इसे भी पार कर लिया है, और यहाँ पर स्टे कर चुके अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते गाइस, चलो ठीक है, यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ मुझे सीधा जंप करना है। अब हम लोग यहाँ मारने वाले हैं फाइनल बैटल में, जो हमारा बॉस होने वाला है, एनएक्सटी बॉस। तो मैं जल्दी से मैं इसे फिनिश करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। ऑल राइट गाइस, इसका खात्मा हो चुका है, और सामने व्हीकल है, यानी कि हम लोगों ने इस गेम को कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। ओके ना, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से खेलने वाले हैं बेरी जैक्स, इसमें उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। एरो के सिम्बल को फॉलो करेंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं, इसे ओपन करते हैं, नीचे आ चुके हैं, यहाँ पर एक और कैरेक्टर है, बट कोई ना, मुझसे आगे कोई भी नहीं निकल पाएगा,
और हम लोग काफ़ी सही तरीके से जा रहे हैं, तेज़ तरीके से। बटन दबा दिया, आयरन प्लेट खुल के आ चुका है, नीचे ट्रैप है, इसलिए संभल के चलते गाइस। और ये रहा रिंच, इसे डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय करा, टनल में चलते हैं। आ चुके हैं टनल में और नीचे भी आ चुके हैं, और मेरे सामने बैरी है, इसे बचते हुए जाना पड़ेगा। अरे नहीं यार, इसने मुझे पकड़ लिया, बट कोई ना, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। और वो बेरी इस बार बटन से काफ़ी दूर है, बटन इसलिए दबाना ज़रूरी है ताकि ऊपर टनल में जो डोर लगा है वो ओपन हो जाए। और ये बेरी मेरे पीछे पड़ चुका है, जल्दी से भागना पड़ेगा। ये बेरी जैक्स काफ़ी खतरनाक है, एरो का सिंबल है, जंप करेंगे उसी साइड। चलो ठीक है गाइस, हम लोग पाइप पर अच्छी तरीके से जंप किया, इसके ऊपर बेरी नहीं आ सकता तो हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं ना। आगे चलते हैं फटाफट से गाइस, जंप करेंगे डबल पाइप पर। चलो ठीक है, सेफली तरीके से जंप करा, टनल में चलते हैं। तो हम लोग सेफली तरीके से आ चुके हैं टनल में भी, और यहाँ हम लोग बेरी के टॉयलेट में भी आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये रहा सावल, और सावल की मदद से मैंने यहाँ पर सुरंग बनाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे गाइस। चलो नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पर नीचे काफ़ी ख़तरनाक सा लावा है, ऊपर स्टोन का पिलर है, इसे मैं जल्दी से पार कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे हमारे सामने कैसा चैलेंज आता है। अब मुझे ब्रिज को पार करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, फटाफट से मैं ब्रिज को पार कर लेता हूँ गाइस। चलो ठीक है, मैंने ब्रिज को पार कर दिया सेफली तरीके से। आगे चलते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो ट्रैप है संभल के। अरे नहीं यार, गलती से मैं नीचे गिर गया, बट कोई ना, इस बार मुझे कोई भी गलती नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। चलो ठीक है गाइस, हम लोगों ने पार कर लिया। वेट करते हैं, गोला आ रहा है, अगर मैं ऐसे ही चला जाता ना, गोला मुझे किल कर देता। लेकिन अब डरने वाली कोई भी बात नहीं है गाइस, फिर से गोला आने का वेट करेंगे। ये आ रहा है गोला, और ये गोला यहाँ से जैसे ही गया वैसे ही मुझे आगे बढ़ना होगा। फटाफट चलते गाइस, और यहाँ पर भी रुकते हैं क्योंकि गोला फिर से आएगा। ये आ रहा है गोला, और ये चला गया। अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे गोला वाले एरिया से बहुत दूर, सीधा इसी लेडर की मदद से ऊपर चलते गाइस। चलो ठीक है, यहाँ पर आते ही बेरी ने मुझे देख लिया, और ये मुझे किल करने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा है। व्हील घुमाते और जल्दी यहाँ से भागते, नहीं तो ये बेरी मुझे किल कर देगा। फटाफट भागते गाइस। चलो ठीक है, ये अभी तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है, स्टेयर्स है, लेकिन स्टेयर्स टूटा हुआ है, नीचे अभी तक लावा है, बट कोई ना, मैं तो अपने कैरेक्टर को सही तरीके से लेके जाऊँगा, और मैं वही कर रहा हूँ। ओके ना गाइस, यहाँ भी आ चुके हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर। आगे चलते फटाफट से गाइस, लीवर पुल डाउन करेंगे, कर दिया, और ये हमारा लिफ्ट हो चुका है एक्टिवेट। जब तक ये लिफ्ट हमारा ऊपर जा रहा है, तब तक आप लोग क्या करोगे, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना। और ये रहा वेंडिंग मशीन, दबाते बटन, दबा दिया, इसे पीते ही मेरे कैरेक्टर में एक एबिलिटी आ चुका है, और हम लोग काफ़ी सही तरीके से जंप करते हुए जा रहे हैं। चलो ठीक है गाइस, ओके, आयरन प्लेट पर भी सेफली तरीके से आ चुके हैं। इसके बाद फिर से मुझे एस्टोन के वॉल पर जाना पड़ेगा गाइस, एक बार और जंप। चलो ठीक है, फटाफट से मैं इसे पार कर लेता हूं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होगा गाइस। तीन प्लेट और है, इसे भी पार कर लेंगे फटाफट से। ऑलराइट गाइस, मैंने पार कर, सीधा इसके ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस। चलो भाई ऊपर, अबे ये क्या कर रहा है नूबड़ा, एक और लेडर है, इसका भी यूज़ करते तभी तो ऊपर पहुँचेंगे ना। सामने स्टोरेज रूम है, उसी के अंदर मुझे जाना है, फटाफट चलते गाइस। और ये रहा लेडर, तो मैंने इसे ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग इसे ले जाकर सही जगह पे ड्रॉप करेंगे। फटाफट चलते गाइस, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। चलो ड्रॉप कर दिया, इसके ऊपर चलते हैं। बहुत सही है मैन, हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जा रहे हैं, इस तरफ सेफली तरीके से आ चुके हैं। और यहाँ का प्रेशर एयर जो है कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, दोनों तरफ नुकीला, देख सकते हो क्या है, ट्रैप लगा, इसीलिए संभल के जाना होगा गाइस, पूरा संभल के। चलो ठीक है गाइस, ऊपर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आते ही अब मुझे पाइप को पार करना पड़ेगा, पार्कोर में जिस तरीके से खतरनाक होता है वैसे ही यहाँ पर भी कदम कदम पर नया नया खतरा है, नया नया चैलेंज है, जिसे मुझे पूरा करके यहाँ से जल्दी से निकलना होगा सबसे लास्ट स्टेज में, और मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है गाइस, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अब मुझे तीनों एयर पंप को बंद करना होगा। सबसे पहले हम लोग पहले एयर को पूरी तरीके से बंद करेंगे, ये रहा पहला एयर, तो मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया। अब चलेंगे सेकंड एयर की तरफ व्हील घुमाने के लिए, वो रहा सामने लेफ्ट साइड में। ओके आगे चलते हैं, तो मैंने घुमा दिया गाइस, अब आगे चलते फटाफट से, यानी कि
दो व्हील को मैंने घुमा दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब बचा है सबसे लास्ट यानी तीसरा व्हील, उसे घुमाने के बाद लास्ट वाले पाइप से जो एयर निकल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। चलो ठीक है गाइस, घुमा दिया और ये बंद हो चुका, ऊपर चलते हैं। तो गाइस हम लोग सेफली तरीके से यहाँ आ चुके हैं, आगे चलते हैं और अब देखते हैं मुझे क्या करना होगा। इसके ऊपर भी सेफली तरीके से आ चुके हैं और जैसे हम लोग इसके ऊपर आते हैं सामने टनल दिखाई देता है और मुझे टनल में ही जाना पड़ेगा, तो चलो फटाफट चलते हैं। ठीक है गाइस, हम लोग आ चुके हैं टनल में, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या सीन होगा। ओके, और यहाँ मेरे कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला है और मेरा कैरेक्टर अच्छी तरीके से जंप करते हुए जा रहा है। अब ये थर्ड होने वाला है सबसे लास्ट, इसीलिए संभल के गाइस, पूरा संभल के, मिस्टेक नहीं होना चाहिए गाइस। चलो ठीक है, आ चुके यहाँ पर, ये आयरन लेडर मुझे ऊपर लेके जाएगा और यहाँ आते ही सामने टनल है, मुझे उसमें ही जंप करना है। जंप करा और सीधा, अरे नहीं यार फेल हो गया पहली बार में, सेकेंड बार ट्राई करेंगे और सेकेंड बार में सीधा इसके अंदर आ चुके हैं। आगे चलते हैं ना फटाफट से गाइस। चलो ठीक है, सामने देख सकते हो सेफ है और मुझे इसे हराना है चाहे जैसे भी हो। और उसने मुझे देख लिया, मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा।